नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो रोजगार में ये खबर आपके काम की है जो आपके एजुकेशन से भी जुड़ी है। अगर आपको यूपी पुलिस में आपकी इच्छा है कि आप कांस्टेबल बने तो तैयारी करने का तरीका हम बताते हैं, बहुत फ़ायदा होगा आपको। प्रमोशन का भी हम बताएंगे कि कब होता है यूपी पुलिस में कांस्टेबल्स का प्रमोशन। वैसे तो यूपी पुलिस में शामिल होने के लिए आपको लिखित परीक्षा देनी होगी, उसके शारीरिक मापदंड परीक्षण में भी आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, आपके एजुकेशनल और डॉक्यूमेंट जो आपके जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी सब देखे जाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद आप पुलिस में शामिल हो पाएंगे। हालांकि ये सब मुश्किल नहीं है, सुनने में लगता है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब आप करेंगे आसानी से कर लेंगे। यूपी पुलिस में सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा में अगर आप हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी जानकारी बहुत जल्दी सामने आ सकती है। यूपी पुलिस में इस बार कांस्टेबल के लिए करीब 26,000 से ज़्यादा पोस्ट निकाली जा रही है। फायरमैन के कम से कम पौने 200 पद यानी 175 के आसपास पदों पर भर्ती होगी। यूपी पुलिस में कुल मिला के देखा जाए तो 40,000 नए रंगरूट यानी कि नए जवान, 40,000 नए कांस्टेबल्स की भर्ती होनी है। रेडियो ब्रांच, आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएससी कांस्टेबल और जेल वार्डन के पद पर भी भर्ती होनी। जेल वार्डन, इस भर्ती का उम्मीदवार आपको बहुत समय से हो सकता है। अगर आपको लगता है कि चयन आपका पुलिस में बतौर सिपाही के रूप में होना है तो कम से कम इसके लिए आपको 10 साल तक इस पद पर अपनी सेवाएं देनी होंगी। इसके बाद कैंडिडेट्स का प्रमोशन होता है। कैसे होता है? तब वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं। इसके बीच में भी आप हेड कांस्टेबल बनते हैं, आपने कुछ अतिरिक्त योग्यता का कोई ऐसा काम किया हो जिसमें आपको पुरस्कार मिले, आपका नाम हो, तो आपको आउट ऑफ टर्म प्रमोशन मिल सकता है। हेड कांस्टेबल के रूप में आप 5 साल काम करेंगे, उसके बाद आपको एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन मिलेगा। हम ये बताना चाहेंगे कि कांस्टेबल पद पर भर्ती हुए सिपाही को डीएसपी रैंक तक जाने का रास्ता मिल जाता है, यानी कि याद रखिए अगर आप कांस्टेबल बनकर के पुलिस में शामिल हुए हैं तो आगे चलकर आप अपनी मेहनत से, अपनी योग्यता से, अपने प्रयासों से डीएसपी भी बन सकते हैं। यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए कैसे तैयारी करें ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है। जल्दी से बता देते हैं कि आपको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, शारीरिक मापदंड का आपका परीक्षण होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा में भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप पुलिस में शामिल हो पाएंगे। एक इसके लिए कैसे पढ़ाई करें वो बता देते हैं। पढ़ाई ऐसे कीजिए कि टाइम टेबल अपना बना लीजिए जिसका आप पूरी स्ट्रिक्टनेस के साथ, पूरे अनुशासन के साथ उसका पालन करें। रोज़ आपको जनरल नॉलेज का ज्ञान लेना या कोई ऐसी 2-4 पुस्तकें खरीद लें जिसमें सामान्य ज्ञान हो, रोज़ पढ़िए। अवेयरनेस यानी करंट अवेयरनेस, आजकल क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको अखबार से रोज़ पढ़नी चाहिए, बहुत काम आएगी। सिर्फ कांस्टेबल के लिए नहीं, आगे सब एग्ज़ाम्स के लिए काम आएगी। आपके बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपको सामान्य जानकारी अंग्रेज़ी की और गणित की होनी चाहिए। गणित की बहुत कम चल जाएगी, लेकिन बेसिक बातचीत की कोशिश कीजिए कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी ठीक ठाक आती हो। रीजनिंग का भी आपको लगातार अभ्यास करना है, रीजनिंग के लिए बुक्स बाजार में अवेलेबल है। मेडिकल तौर पर आपको फिट रहना है, इसके लिए आपको शुद्ध पौष्टिक खाना खाना है, क्योंकि मेडिकली आप फिट होंगे तभी आप हो पाएंगे। भले ही आप रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लें, मेडिकली भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा वरना आप रोक दिए जाएंगे। आपको रोज़ व्यायाम करना चाहिए, रोज़ 5 किलोमीटर आपको रोज़ दौड़ने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये सभी चीज़ें आपके काम आने वाली है। बहुत ज़रूरत पड़ेगी जब आपकी शारीरिक योग्यता का परीक्षण होगा कांस्टेबल की भर्ती के प्रक्रिया के दौरान। चलता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आपका भगवान करे कांस्टेबल पद पर नियुक्ति हो जाए और फिर उसके बाद आप आगे जाकर डीएसपी बने। चलता हूँ, करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। लेकिन पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। राम राम।